हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है मियोसिस, के मियोसिस कैसे होती है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको माइटोसिस पढ़ाया था, आज मैं मियोसिस कवर करूंगा और आपको वैसे ही शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जस्ट पॉइंट हैं, आप इनको याद कर लें, जब आप इनको लिखेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक हैप्लोइड सेल डिप्लोइड सेल से फोर हैप्लोइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, डिप्लोइड सेल से मुराद है कि इसके पास दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और हैप्लोइड से मुराद है एक सेट क्रोमोसोम का। ठीक है, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो 2n जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उसकी हम मियोसिस करेंगे तो वो फोर हैप्लॉयड यानी कि उन 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल से 23 क्रोमोसोम्स वाले चार सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस भी माइटोसिस की तरह ही होती है, मतलब के सेल डिवीजन है। ठीक है, जिस तरह माइटोसिस और इंटरफेज आपस में एक दूसरे के साथ साइक्लिक मैनर से चलते हैं, इसी तरह जो है मियोसिस भी होती है। तो मियोसिस में भी सबसे पहले तो इंटरफेज आती है। इंटरफेज में वो ही फेजेस होते हैं जो माइटोसिस में मैंने आपको बताए थे कि एक सबसे पहले G1 फेज, जिसमें वो जो है अपने ऑर्गेनाइल्स वगैरह को बढ़ाता है, प्रोटीन्स वगैरह प्रिपेयर करता है। फिर आ जाती है एस फेज, जिसमें क्रोमोसोम्स की कॉपीज तैयार करता है। फिर आ जाता है G2 फेज, जिसमें के वो ऐसे प्रोटीन्स तैयार करता है जो के डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं। इस तरह फिर चले जाता है मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस के दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस वन, इसी तरह मियोसिस टू, और इसी तरह इंटरफेज वन इंटरफेज टू। तो मियोसिस वन में क्या होता है, मियोसिस वन में वही फोर स्टेज जिनको मैं पी मैट बोलता हूँ, मतलब के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैं इनको डिस्क्राइब भी करूँगा। तो ये वाला फेज आता है, फिर चला जाता है इंटरफेज टू की तरफ, मतलब वही रेस्टिंग का फेज जिसमें थोड़ी बिल्कुल बहुत शॉर्ट होता है, और इसमें G1 फेज होता है और G2 फेज होता है। अब आपने नोट करना है कि इसमें एस फेज नहीं है, जबकि इंटरफेज वन में भी होता है और माइटोसिस की इंटरफेज में भी एस फेज होता है, लेकिन मियोसिस टू की इंटरफेज यानी इंटरफेज टू में एस फेज नहीं होता, क्योंकि कॉपीज पहले से ही तैयार हो गई हैं उसमें इंटरफेज वन में। तो इसलिए दोबारा से क्रोमोसोम्स की कॉपीज तैयार नहीं होंगी। तो फिर चला जाएगा ये मियोसिस टू की जानिब, जो कि बिल्कुल जो है वो माइटोसिस की ही तरह है, लेकिन इसका नाम मियोसिस टू है। ठीक है, इसके आगे वही पी मैट, लेकिन प्रोफेज टू, प्रोफेज टू के बाद जो है मेटाफेज टू, फिर एनाफेज टू, फिर टीलोफेज टू। तो अब हम चलते हैं इन फेजेस को डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेज की तरफ, के प्रोफेज में क्या होता है। जी दोस्तों, प्रोफेज वन भी बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। प्रोफेज वन तो इसमें सबसे लंबा फेज होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज। दूसरा, इसमें वही काम होता है कि क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। ठीक है, तीसरा, इसमें जो डिफरेंट काम होता है वो ये है कि साइनेप्स बनता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में आके जुड़ते हैं, जिसको कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो साइनेप्स की वजह से आगे बाईवेलेंट रिजल्टेंट जो हमें मिलता है उसको हम बाईवेलेंट कहते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम जिसके पास दो क्रोमेटिड हैं। इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम जिसके पास दो क्रोमेटिड हैं, वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, वो आपस में अटैच हो जाएंगे। तो दो जो हैं वो क्रोमोसोम अटैच हुए बेसिकली, तो हम उसको कहेंगे बाईवेलेंट। अब उन दो क्रोमोसोम्स के पास दो दो क्रोमेटिड भी तो हैं, तो टोटल जो हैं वो कितने हो गए, फोर क्रोमेटिड। तो इसलिए हम इसको टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि चार क्रोमेटिड उसके पास हैं। अब जो है वो इस जो साइनेप्स बना है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, जिसको
क्याज मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। क्याज मेटा फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट जो है वो इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होगी, उसके बाद वही के न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टू डिजनरेट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी डिजनरेट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट फेज की तरफ जो के है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में प्रोफेज में एक और चीज़ के काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो आके अटैच होती हैं काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से, ठीक है। अब हम चलते हैं मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटर पे अरेंज करते हैं जी। तो इस काइनेटोकोर फाइबर जब आके अटैच हो जाती हैं काइनेटोकोर से तो वो मेटाफेज प्लेट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, काइनेटोकोर फाइबर जो हैं यानी कि स्पिंडल फाइबर्स वो सेंट्रोसोम्स जो हैं वो उनको पुल करेंगी, जिसकी वजह से बाईवेलेंट जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और एक दूसरे से ओपोजिट ऑप्शन पे, ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक उस पोल पे और एक दूसरे पोल की तरफ, ठीक है। तो इसे कहेंगे एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में बस इतना होना है। उसके बाद जो है हम चले जाएंगे टीलोफेज में। टीलोफेज में वही के दोबारा से क्रोमोसोम जो हैं वो डीकंडेंस होके क्रोमेटिन मटेरियल बना देंगे, उसके साथ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियोलस जो हैं वो दोबारा से जो हैं वो जनरेट कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गई है हमारी मियोसिस वन कंप्लीट। अब हमारा सेल जो है वो मूव कर जाएगा इंटरफेस की तरफ, ठीक है, इंटरफेस टू की तरफ, जहाँ पे G1 और G2 फेज बस होंगे और S फेज नहीं होगा। अब जो है मियोसिस टू में क्या होगा, मियोसिस टू में अब वो बिल्कुल वही सारे जो हैं वो फेजेस हैं माइटोसिस वाले, लेकिन बस नाम जो है वो मियोसिस टू रखा गया है। अब दो सेल्स बन चुके हैं, अब उन दो सेल्स से मजीद आगे दो दो सेल्स बनने हैं, मतलब टोटल फोर। तो मियोसिस टू में क्या होगा, सबसे पहले प्रोफेज टू आएगी। प्रोफेज टू में वही काम होगा कि क्रोमोसोम जो हैं वो कंडेंस करके तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स बन जाएगा, जिसकी वजह और न्यूक्लियर इन्वेलप डीजनरेट कर जाएगा, न्यूक्लियोलस डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। और कनाइटोकोर फाइबर जो हैं वो आके क्रोमोसोम्स के कनाइटोकोर्स के साथ अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट फेज में जो कि है मेटाफेज। उसमें मेटाफेज प्लेट बनेगी, क्रोमोसोम अरेंज कर लेंगे खुद को इक्वेटर पे और उनके साथ जाके कनाइटोकोर फाइबर जो है वो अटैच हुई हुई है। तो उसके नेक्स्ट फेज में क्या होता है जो कि है एनाफेज। एनाफेज में वो जो सेंट्रोसोम्स हैं वो पुल कर लेते हैं अपनी फाइबर्स को, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो गए, अब क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट पोल्स की तरफ चले गए। तो यहाँ पे जो है आके नेक्स्ट वाला फेज में दाखिल हो जाता है सेल जो के है टीलोफेज जी। तो टीलोफेज में एक तो फाइबर जो है वो डिसपेयर हो जाएंगी, उसके बाद टीलोफेज में जो है न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से जनरेट कर जाएगा और न्यूक्लियोलस, और इसी तरह जो है क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होके क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट पे हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कैसे होती है वो मैंने आपको माइटोसिस में बताया था। प्लांट्स में जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होती है और एनिमल्स में क्लीवेज फ्यूरो के थ्रू। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मियोसिस के बारे में। कैसा लगा, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।